नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं देश की दशा और दिशा। जी हाँ, हम चर्चा करने वाले हैं देश के हाल और समाचार पर कि क्या चल रहा है हमारे देश में। आइए देखते हैं। भारत में सबसे ज्यादा प्रगति करने वाली कौम पारसी है। पारसी कभी पत्थर चलाने के लिए सड़क पर नहीं उतरते, वह पत्थर नहीं चलाते, उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखा है कभी? भारत में ईसाइयों की वजह से क्या कभी किसी जवान के मुंह से खून बहते हुए देखा है? जवाब है नहीं। अगर इंदिरा गांधी का दौर छोड़ दिया जाए तो क्या हर तरह से संपन्न जिस कौम से आज तक आपने कभी किसी को भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा, वह सिख समुदाय कभी पत्थर चलाने के लिए गलियों या सड़कों पर नहीं उतरा? क्या सिखों ने आंदोलन किया है तो सरकार को झुकने के लिए मजबूर भी कर दिया है? अब इसके बाद आइए हिंदू मुसलमान पर। एक बहुसंख्यक समुदाय और दूसरा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय, यह पहचान किन चीजों से बनी है बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। यह भीड़ तंत्र नहीं चलेगा भाई। अगर नुपुर शर्मा ने मोहम्मद साहब का मजाक उड़ाया था तो नमाज के बाद जो सड़कों पर गंदा नाच हुआ है ना, उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने खुद को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या इस जलती हुई पुलिस की गाड़ी, इस जलती हुई बाइक और इस जवान के मुंह से निकलते हुए खून से हजरत मोहम्मद साहब का अपमान क्या सम्मान में बदल गया? क्या बिगाड़ा है इस जवान ने? क्या कसूर था इसका? है कोई जवाब आप लोगों के पास? मेरी आंखों में आंखें डालकर बताइए, नुपुर शर्मा ने जो किया क्या मुस्लिम समाज इसका जवाब सड़कों पर आग लगा कर देगा? देखिए, भारत जो है चरम पंथी देश नहीं है। भारत में सर्वधर्म संभाव है। भारत में सभी धर्मों को, अपने रीति रिवाजों को, अपने रिचुअल्स को मानने का और मनाने का पूरा हक व इज्जत अधिकार है और आजादी भी है। भारत में आग के बदले आग का कानून नहीं है साहब। नुपुर शर्मा ने जो कहा था उसके लिए पूरी दुनिया के मुस्लिम देश भारत से नाराजगी जता रहे हैं। भारत की सरकार बैकफुट पर थी, बीजेपी को लेटर लिखना पड़ गया कि बीजेपी ने किसी के इश्क का अपमान, किसी के इष्ट का अपमान करने की कोई जगह नहीं है। मुस्लिम समुदायों में एक से बढ़कर एक बैरिस्टर है, एक से बढ़कर एक वकील है, नेता है, अरे संगठन भी है, सब कुछ है। क्या कोई इतना सक्षम नहीं कि कानून की लड़ाई लड़ सके? सड़कों पर जो मुस्लिम पक्ष ने किया, सारी सहानुभूति खत्म हो गई। यह जो भारत की सड़कों पर हुआ है ना, ये नया नहीं है। मुस्लिमों की इमेज बरसों से ऐसे ही है और ऐसे ही बनी हुई है और ऐसे ही बनाई गई है। बताइए, इंटरनेशनल लेवल पर भारत सरकार मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए कसमें खा रही है। भारत की सरकार को खाड़ी देशों ने अंडर प्रेशर कर रखा है और सड़कों पर जो कुछ लोगों ने अपने साइड को खुद ही कमजोर बनाया है। किसी भी धर्म संप्रदाय से सभी लोग एक जैसे नहीं होते। जो लोग मुझे आज सुन रहे हैं उनको मालूम है मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ और सच के लिए सरकार से सवाल करते हैं, लेकिन जो आज सड़कों पर किया गया है वह ठीक नहीं है। सड़कों पर दंगा फसाद करने वाले हिंदू हो या मुसलमान हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का अपराधी ही होगा। देश का कानून उसे वैसे ही सलूक करेगा जैसे किसी अपराधी से किया जाता है। आज की खबरों को यही विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।